इस वक्त की बड़ी खबर सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां अररिया चौक पर 13 वर्षीय किशोर का शव मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने NH 22 पर आगजनी कर सड़क को जाम कर दिया। बता दें कि सोमवार की सुबह कचहरीपुर में झीम नदी किनारे किशोर का शव मिला था। मृतक किशोर की पहचान सोनबरसा थाना क्षेत्र के अररिया गाँव निवासी गोपाल शाह के 13 वर्षीय पुत्र रोहित कुमार के रूप में हुई है। श्री शाह आलू प्याज के व्यवसायी है। परिजनों के अनुसार मृतक रोहित रविवार की शाम गांव में एक श्राद्ध क्रम में भोज खाने गया था, जहां जयनगर के लिए निकला था और सोमवार की अहले सुबह नदी किनारे उसका शव मिला। घटना की सूचना पर सोनबरसा थाना मामले की छानबीन में जुट गई है। इस बीच आक्रोशित ग्रामीणों ने अररिया चौक को जाम कर दिया, जिससे राजमार्ग 22 पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। घंटों तक जाम के बाद मुख्यालय से पुलिस अधिकारी पहुंचे, आश्वासन के बाद जाम समाप्त हुआ। सूत्रों के मुताबिक मृतक के गले में जख्म का निशान भी बताया जा रहा है। हालांकि अभी इस मामले में पुलिस की तरफ से हत्या या अन्य कारणों का खुलासा नहीं किया गया है। घटना के बाद से स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हमको साथ में मेरा भाई जी का आलू का दुकान है, जिनका लड़का डेट किया है, वही कोई आदमी उससे धमकी मांगा सवेरे में, धमकी दिया कि हमको पैसा दीजिए। दुकान पर टर्च किया, टर्च करने के बाद वो बोले कि अभी जाओ, बाद में बात करना, कौन है ना है, मतलब फिर वो आया, दोबारा में आया, फिर बोले कि जैसे बगले के है, ए तो कथी का पैसा बाकी, तो गहकी से जो बाद में भेंट करिए। फिर वो शाम में फिर भी आया, फिर शाम में बात, फिर दूरा पर गए 8 बजे रात के, वो बोले कि दारू रुपया था, कि हमको काम कीजिए, पैसा दीजिए रंगदारी। तो बोले कि जैसे दो गांव का समाज में होता है, जो जो तुम्हें काम कर गए, सब यह सब बात ठीक हो जाएगी। गांव बगले के है, तो नहीं गया, बगल में जाकर बैठ गया। मेरा भाई घर चला गया, अपना अंदर हो गया। अंदर होने के बाद मेरा भतीजा बाहर खेलता कूदता था, चाहे बाहर, इसके बाद शायद उठा के उसको ले गया, हम लोग का मालूम नहीं चला। अच्छा, भतीजा के साथ क्या किया है? उसको मार के फेंक दिया कचहरीपुर झीम नदी के पास। Thank you.